कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री ऑस्कर फर्नांडिस का निधन हो गया है। वे बेंगलुरु के एक अस्पताल में भर्ती थे। ऑस्कर फर्नांडिस गांधी परिवार के काफ़ी नज़दीकी थे। इनकी उम्र 80 साल की थी और ये पिछले काफ़ी दिनों से बीमार चल रहे थे। बेंगलुरु के अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, जहां आज उन्होंने आखिरी सांस ली। ऑस्कर फर्नांडिस राजीव गांधी के संसदीय सचिव भी रहे थे और उनकी सोनिया गांधी और राहुल गांधी से काफ़ी निकटता थी। वे यूपीए 1 और यूपीए 2 दोनों में मंत्री रहे थे। बता दें कि कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इस निधन की खबर को ट्वीट किया गया है। फिलहाल इस घटना से पूरा कांग्रेस परिवार अपने नेता को खोकर बहुत दुखी है। वहीं उनके परिवार के प्रति पूरी संवेदना व्यक्त की है। बता दें कि कांग्रेस ने उनकी दृष्टि को भारत के निर्माण में उपयोग किया। वे पार्टी के मार्गदर्शक रहे। उनके निधन से कांग्रेस पार्टी ने अपने नेता और मार्गदर्शक को खो दिया है।